के हाउस की तीसरी बैठक, लेकिन दिल्ली को महापौर नहीं मिल पाया, क्या कारण मानते हैं? देखिए, कारण एक ही, आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी द्वारा बार बार आकर हाउस में जो है इलीगल बातें करना, जैसे आज दो बातें जो है अपना मुख्य रूप से हुई। पहला कि आम आदमी पार्टी के दो विधायक हैं अखिलेश पति त्रिपाठी और संजीव झा, कल इन दोनों को सेशन कोर्ट ने 6 महीने की सजा सुनाई है। अब जहां कोई कोर्ट आपको किसी विधायक को 6 महीने की सजा सुनाता है और उसके ऊपर में 10,000 का जुर्माना भी लगाता है, तो पुलिस उनको जहां पर ढूंढ रही है जेल में डालने के लिए, जहां उनको अपने विधायक से इस्तीफा दे देना चाहिए, वहां पे आम आदमी पार्टी ने दोनों को अंदर बुला रखा है मेयर के इलेक्शन में वोट डालने के लिए। तो मैंने पहले दोनों हाउस में देखा कि ये दोनों लोग, ये दोनों विधायक हमेशा पहली लाइन में बैठते थे, आज ये सबसे आखिरी लाइन में बैठे कि कोई इनको देख ना पाए, कि कोई किसी को पता ना लग जाए इनको सजा हुई है। जब हमारे नेताओं ने, हमारे पार्षदों ने देखा, तो उन्होंने मांग करी कि ये दोनों को अपना सजा हो गई है तो इनको यहाँ पे हाउस में रहने का अधिकार नहीं है, इनको निकल जाना चाहिए। इस बात पर आम आदमी पार्टी स्वीकार नहीं हुई। दूसरा, बार बार उनकी तरफ से ये मांग उठाई जाती है कि एल्डरमैन वोट नहीं डालेंगे। कोई कोर्ट का ऑर्डर, कोई एक्ट इसके ऊपर में ये नहीं कहता है कि एल्डरमैन मेयर के इलेक्शन में वोट नहीं डालेंगे। यही इसी से जुड़ा सवाल है प्रवेश भाई, चूंकि लगातार आप देखे, चाहे जितने भी हैं, चाहे सौरभ भारद्वाज हो, तमाम विधायक हमेशा डीएमसी एक्ट का हवाला देते हैं, आपने इस पे पीसी भी किया है पहले कि वो वोट नहीं डाल सकते हैं, लेकिन क्या ऐसा है? क्या डीएमसी एक्ट इसके ऊपर में साइलेंट है? डीएमसी एक्ट में वो लाइन दिखाए जहाँ पर वो ये कहे कि एल्डरमैन मेयर के इलेक्शन में वोट नहीं डालेगा, तो इस जब एक्ट कोई साइलेंट होता है तो उसके बाद में पीठाधीश अधिकारी का ये राइट होता है कि वो उसका फैसला करे, एक बात। दूसरा, मैं समझता हूँ कि सारी बातों को हम मान लें, सारे आंकड़े देख लें, तो भी आंकड़े उन्हीं के पक्ष में जा रहे हैं, उसके बाद भी वो वोट क्यों नहीं करा रहे, उससे क्यों भाग रहे हैं? अगर एल्डरमैन वोट डाल भी लेंगे तो भी उनके नंबर ज़्यादा हैं, तो उनको ये लगता है कि भाई कहीं उनके पार्षद जो है क्रॉस वोटिंग ना कर दें, अब उनको ये डर सजाया जा रहा है। एक आखिरी सवाल प्रवेश भाई, क्या लगता है, जैसे पीठासीन अधिकारी जब ये फैसला किया उन्होंने, सत्या जी ने, कि हम मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव एक साथ कराएंगे, फिर आम आदमी पार्टी कहती है कि नहीं, पहले मेयर का कराइए, बाकी चुनाव बाद में, इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे ये वजह है कि उनको ये लगता है कि मेयर उनका बन जाएगा, जैसे ही उनका मेयर बन जाएगा तो वो यहाँ पे सारे एक्ट को अपना साइड में करके वहाँ कुर्सी में बैठ के गलत रूलिंग देगा और वो कुछ भी करेंगे फिर अपनी मनमानी। इसलिए ये तीनों इलेक्शन तो हो नहीं है, तो तीनों इलेक्शन जो कल होना है वो तीनों इलेक्शन अगर आज ही हो जाए, अगर मैंने तीनों इलेक्शन में क्या क्या वोट डालना है तो मैं वो आज भी डाल सकता हूँ। सारे सदस्य वो तीनों इलेक्शन में, एक आज होगा, एक कल होगा, एक परसों होगा, और हम उसको एक ही दिन करवा दें तो वोट तो सारे सदस्य उसी को डालेंगे जिसको वो डालने वाले हैं, तो उसमें उनको तीनों इलेक्शन को एक साथ करवाने में क्या दिक्कत है? इस बात का जवाब तो वो ही देंगे। पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा, और इनका साफ तौर से कहना है कि जब तीनों ही पद के लिए चुनाव होने हैं तो एक ही बार हो जाए तो इसमें क्या आपत्ति है? आम आदमी पार्टी को आपत्ति इसलिए है कि उन्हें अपने ही पार्षदों पर भरोसा नहीं है। ब्रजनीश मस्तान के साथ सुमंत कुमार, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।